ब्रह्म बाबा 1 लाख रुपया दे दीजिए, 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 ब्रह्म बाबा 1 लाख रुपया दे, 1 लाख रुपया दे दीजिए भगवान, 1 लाख रुपया दे, 1 लाख रुपया। ये कहाँ के पागल हो भाई? अरे इसको नहीं जानते हो? ये अपना गांव का लोकवा है ना। कौन लोकवा? चले रहो विदेश से, तू का जन्म गांव के बारे में ये सब नहीं, जो अमेरिका में कहाँ मिलेला। अरे ये जानता है कौन है? एकरे में रलुआ ना एसडीएम बनल है, पढ़ के भेजले रहे की पढ़े आ गए। अच्छा तो ये सब हमको मालूम नहीं। चलो तुमको कहानी बताते हैं। ए जी सुनिए ना। ए जी सुनिए ना, उठिए ना पहले। अरे सोना दो। नहीं पहले उठिए। अरे सुन रहे हैं? अरे बोलो क्या बात है? हमको पढ़ना है। अभी रात में सब बात होगा? हम बोल दिए तो बोल दिए, अगर आप हमसे प्यार करते तो आप हमको पढ़ाएंगे। अरे चलो सुबह बात करेंगे। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। कहाँ जाता रह? ले जाता नहीं प्रयागराज औरत के पढ़ावे ला। अरे पढ़ा के तू का करबो? 1 रुपया ना देना बा ना लेना बा पढ़ाई में, खेती में ना रहो। ये कहा तारी पढ़े ला, इनका इच्छा बा पढ़े के। हाँ तो देख तू कतना चाउर बेचाई, कतना गेहूं बेचाई, तुम तो पढ़बो कैसे ही पढ़ाई होला? कैसा हो मेहरारू के पढ़ावे के बा, एसडीएम बनावे के बा। हाँ तो ठीक बा, माने उनके पढ़े के मन है तो। हाँ, इनका पढ़े के मन बा। ठीक से पढ़बू नु? ठीक बा। हेलो। हाँ एक जरूरी बात है। हाँ क्या बात है बोलो। अभी मेरे पढ़ाई के लिए 1 से 1.5 लाख की तत्काल जरूरत है। अच्छा अच्छा, तो प्लीज आप जल्दी से भेज दीजिए ना, नहीं तो फिर मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तुम बढ़िया से पढ़ाई करो, हम अपना व्यवस्था करके तुमको शाम को कॉल करते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, रखो। कहाँ से रुपया के उपाय करी 1.5 लाख के, किकरा से मांगी किकरा से ना, मिली ना मिली पढ़ाइयो के जरूरी बा। क्या यार, हम लोग कब तक चोरी छुपे मिलते रहेंगे?
यार हम तो अपने हस्बैंड से ही तबाह है, बताओ तुम्हें क्या किया जाए। कुछ ना कुछ तो बड़ा उपाय करना पड़ेगा। हाँ एक काम किया जाए, उसको रास्ते से हटा दीजिए। बड़ा वाला ट्रक से उसको एक्सीडेंट करवा दे क्या? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, ऐसा ही करते हैं। सुबह में ऑफिस के लिए निकलते हैं और शाम में घर आते हैं, तो आपका काम और आसान हो जाएगा। अभी ठीक बात है, नहीं तो उसको जहर भर दे दो। अरे हम जहर कहाँ से लाएंगे अब? अरे घर में चूहा मारने वाला जहर है ना। तो चूहा मारने वाले जहर से आदमी मर जाता है क्या? अब बाबा मर जाता है, जो करना है तुम अपना करो। अब तुम्हारे लिए एक पल हमको रहना बहुत मुश्किल हो गया है, तुमको जो करना है जल्दी से करो। अच्छा ठीक है बाबा। तुम्हें छोड़ के तो जाने का मन नहीं कर रहा है। अरे यार जाओ ना, कल आना मेरे आवास पे, तुम्हें खुश कर दूंगी। ओके। क्या क्या हो रहा है? हम तुमको पढ़ाए लिखाए और SDM बनाए, अब तुम हमारे पीछे यही काम कर रही हो? इतना घिनौना हरकत। बाबूजी ठीक कहते थे कि इसको पढ़ाना लिखाना बेकार है, फिर भी हम उनका बात नहीं मानकर को तुमको पढ़ाए लिखाए। हमको इसीलिए बुलाई हो बेइज्जती कराने के लिए? एक चपरासी का औकात है मेरे सामने बोलेगा? तुमको ये पढ़ाया लिखाया है, इसको पता है इस पोस्ट पर जाने के लिए क्या क्या शिक्षा पेपर एग्जाम देना पड़ता है? अगर मेरे साथ रहना है तो तुम इसको तलाक दो, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। हमको अभी के अभी तलाक दो, हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अनपढ़ गवार जाहिल कहीं का? तुमको शर्म नहीं आता है इतना घिनौना हरकत करते हुए? तुमको शर्म नहीं आता है? मेरे से बिना पूछे तुम इस कमरे में घुस गए, क्या है तुम्हारा औकात? अपना मर्द के रहते हुए घर मर्द के साथ ऐसी करना तुमको गलत नहीं लग रहा है? मेरा दिमाग नहीं गरमाओ, ठीक है? दिमाग गरमाओगे तुम? तुम गरमाओगे मेरा दिमाग? दिमाग गरमाओगे? दिमाग गरमाओगे तुम्हारा दिमाग? का भाई इतना बहुत साइड हो? अरे भाई का कहे हम तारा से, बीबी के पढ़ावल बहुत भारी पड़ गई हमारा। का हुआ? SDM बनल दूसरा के संग ऐसी करतिया, इहे बा। और का कहे हम, अब जिए के मन नहीं करो। तुम एक बीबी के लिए मर जाओगे? का करो भाई, इज्जत एकदम कचरा करके रख दिले बिया। भाई मीडिया वाला के सहारा लेना पड़ेगा। मीना ले ले चली जाओ, कोई भी मीडिया वाला के सहारा लो, जब तुम्हारी नहीं हुई तो किसी का भी नहीं। ये जो तुम कर रही हो ठीक कर रही हो? क्या कर रहे हैं हम? हम तुमको पढ़ाए लिखाए और SDM बनाए, अब तुम कह रही हो कि हमको तलाक चाहिए? एक बात सुन लीजिए, हमको कैसे जीना है वो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है? और आपके भरोसे तो हम एकदम नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि आप जैसे गवार चपरासी के साथ हम अपना जिंदगी एकदम बर्बाद नहीं करेंगे। इतना दूर तक तुमको कौन चौंपाया? हम ही चौंपाए ना। हाँ तो हम अब बन गए ना, हम आप ऐसे इस ऐसे गवार लोग के साथ हम नहीं रह सकते, हमारा स्टैंडर्ड अलग है, आप समझते क्यों नहीं है? दिमाग ठीक करके अच्छा से सोचो, दो गो बच्चा है तुम्हारा, उसका सब क्या होगा? हमें बस तलाक चाहिए। तलाक तो हम देंगे नहीं। अगर तुम हमको तलाक नहीं ना दिए तो सोच लेना, हम तुमको मरवा देंगे। तुमको भी देख मीडिया वालों को बुला करके तुमको तहस नहस करवा देंगे। हमारा नहीं तो किसी का भी नहीं। जाइए यहाँ से। हम आलोक मौर्या तमाम न्यूज रिपोर्टर के हाथ जोड़ कर नमस्कार करते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। आपको कैसा इंसाफ चाहिए? हमको इंसाफ यही चाहिए कि जो SDM ज्योति मौर्या है वो मनीष दुबे के साथ उनका अफेयर चल रहा है, हमको इंसाफ चाहिए। वो तलाक बार बार मांग रही है, मरवाने की धमकी दे रही है। अच्छा। हमारी दो बच्ची है हंसी और खुशी, उन्हीं के दोनों का मुँह देख करके हम अभी तक चुप हैं। और मनीष दुबे भी शादीशुदा है, उसका भी पत्नी फोन करके हमको बोली है कि भैया अपना भी घर बचा लीजिए और मेरा भी घर टूटने से बचा लीजिए।
तो हम यही न्यूज रिपोर्टर से चाहते हैं कि हमको इंसाफ दिला दीजिए। अच्छा। और बार बार वो फोन करके बोल रही है कि मरवा देंगे, कटवा देंगे, तो कल के दिन हमको कुछ हो गया तो उसका जिम्मेवार वही होगी, हमको इंसाफ दिला दीजिए। ठीक है, ये मीडिया में जो अफवाहें चल रही है कि आलोक मौर्या ने आपको पढ़ाया लिखाया, फिर बोल रहे हैं आप हमको उनके साथ नहीं रहना है। देखिए, मेरी शादी तो LKG में ही हो गई थी, तो क्या वो हमको बचपन से पढ़ाए हैं? यहाँ मजाक नहीं चल रहा है, जो पूछा जा रहा है वो बताइए। देखिए, ये मेरी जिंदगी है, मुझे कैसे जीना ये मैं डिसाइड करूंगी, और मुझे बस उनसे तलाक चाहिए तो तलाक चाहिए। और अफवाहें फैलाए गए कि आप उनको मारने की धमकी दी हैं, और फैलाने वाले बहुत कुछ फैला सकते हैं, तो क्या हर बात सच ही होता है क्या? अब मुझे इजाजत दीजिए। यही से कहिला कि बेटी के पढ़ावो, बीबी के मत पढ़ावो। अरे रुक रुक रुक, हमू अपन मेहरारू के भेज ले रहली पढ़ावे लगी। तो लोग गांव में बेटी के छोड़ के बीबीए के पढ़ावता, जल्दी फोन लगाओ। रुक रुक लगाओ तनी। हेलो, कहां बाड़ू हो? अबू की ना, एक साल हो गया अभी तले कुछ खबर ना देलू है, अब हमारा तहरा पढ़ावे के मन नहीं खे। आवो, अब सामान खत्म हो गया कि अबू की हम आई टिकट कटा के ना, तो अभी कभी टिकट तू कटाव, कल तक जल्दी आवो। चलो तो अच्छा।